हेलो, आज की वीडियो हमारी DSSBI के ऊपर इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बात तो हम फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की करेंगे, लेकिन अभी एक अपडेट आई है DSSBI से, तो इसके अपडेट के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर मैंने बहुत सारे टैब खोल रखे हैं। ये तो ये किसी पर्पज़ के लिए खोले हैं, तो ये धीरे धीरे बात करते हैं क्लिक करके सब पे। तो DSSBI की नोटिफिकेशन आई थी अभी, जस्ट कल ही आई है, कल रात को ही। मैंने तभी आपको कम्युनिटी के अंदर मैसेज डाल दिया था कि कल को DSSBI की वीडियो आएगी। तो जिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे हैं उस कम्युनिटी के अंदर, वो भी मैंने लिए हैं, और कुछ बच्चों के मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे उसी के अंदर, वो भी मैंने लिए लिए हैं। और मैं बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक की भी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा मैं बता दूं, क्वेश्चन जो मैंने आज लिया है, मैं पढ़ता सबके क्वेश्चन हूँ और कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की, पर दे नहीं पाता। बहुत सारे आपके कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, अभी DSSBI की बात करेंगे, फिर मनीषा सिसोदिया। पहले मैं मनीष सिसोदिया पढ़ रहे थे, गलती से मैंने बताया भी होगा कल भी। मनीषा सिसोदिया जी के क्वेश्चंस पर बात करेंगे, इन्होंने जो कमेंट किया है। शीतल प्रजापति और अंकित थॉमस जी और ऑल अबाउट लाइफ, इनके जो क्वेश्चन थे लगभग सेम से ही हैं, इनके ऊपर बात करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में। अभी फिलहाल हम बात करते हैं अपनी DSSBI की। फार्म अध्ययन चैनल का नाम है, तो पैरामेडिकल की बात करेंगे हम, तो पैरामेडिकल के ऊपर ही बात करेंगे। तो अभी DSSBI का नोटिफिकेशन आया है। क्या आया है पहले हम ये देख लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने ये वीडियो मतलब एक बना ली थी अपनी PDF कि मैं सिर्फ एक इस PDF को बना के इसी में से आपको बता दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए फिर मैंने दोबारा थोड़ी सी मेहनत करी और सारी चीज़ ढूंढ के निकाली है। एक एक करके बताऊंगा आपको। ये देखो, मैंने इस तरह बना लिया था। जो फार्मेसी फार्मा और पैरामेडिकल हैं, फार्मेसी नर्सिंग ऑफिसर, इनकी वैकेंसी, इनकी क्वालिफिकेशन, इनके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ये मैंने बना लिया था इनके स्क्रीनशॉट ले लेके। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ कंप्लीट सा नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने फिर ये अलग से वो निकाल लिया। तो पहले मैं देख लेता हूँ, मैं DSSBI चिल्लाता रहा हूँ, है क्या DSSBI में, ऐसा क्या आ गया। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको आप अपने आप भी देखना सीखो और ये चेक कर करो। वैसे मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप चाहते हो तो सबसे पहले गूगल पे जाके DSSBI लिखेंगे, ये वेबसाइट खुल के आएगी। इस पे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास क्या है, DSSBI की मेन वेबसाइट खुल के आ गई। कभी भी कोई भी वैकेंसीज आएगी, या तो आपको यहाँ दिख जाएगी, नहीं तो ये वर्ड्स न्यूज़ के अंदर आपको यहाँ दिख जाएगी कोई भी वैकेंसी। जैसे अभी मैं देखूँ वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, ये क्या है, 7/2022 ये एडवर्टाइजमेंट आया, तो हम चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो ये हम खोल लेते हैं, ये मैंने खोला, ये इस तरह यहाँ क्या है PDF मेरे पास आ गई। ये PDF देख के मैंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि बहुत बड़ी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है। तो आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और हुई भी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा क्यों चिल्लाया मैं, ये देखो, ये DSSBI का नोटिफिकेशन आया है, इसके फॉर्म निकल गए 28/7/2022 से 27/8/2022 फॉर्म निकले हैं। इसमें क्या हमारे काम का भी कोई फॉर्म है? यहाँ हम देखे आप फार्मेसिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर आप देख लो, इसके अंदर नहीं है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, चलो, इसके अंदर फार्मेसिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर नहीं है, बाकी नीचे इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह है। DSSBI की एडवर्टाइजमेंट आ गया। अगर आपने DSSBI को कभी फॉलो किया हो, क्योंकि मैंने अच्छे से किया है DSSBI को फॉलो, और मुझे मैं इसके साथ जुड़ा हुआ भी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसके लिए एक्सपीरियंस भी है। अब इनके एडवर्टाइजमेंट आ चुके वैकेंसीज के। इनका जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट आया था, या DSSBI जब एक्टिव था लास्ट टाइम, वो कब था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 28/12/2021 को लास्ट टाइम ये एक्टिव था। इन्होंने क्या अपनी लिस्ट जारी की थी कि हम एग्ज़ाम निकालेंगे, उसके बाद आज 7 महीने हो गए, इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला। ये शुरुआत के 1/21, 1/21, ये जो पोस्ट कोड है ना, ये JEE इलेक्ट्रिकल सिविल, इनकी एक एक दो दो इनका निकाला, बाकी DSSBI ने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला था, इनएक्टिव था। अगर हम बात करें, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में भी। तो अब अगर आपने इससे पिछले साल जब DSSBI के फॉर्म निकले थे, अगर आपने इनका पैटर्न फॉलो किया हो, तो आपको पता होगा DSSBI
या तो इनएक्टिव रहता है, जैसे ही एक्टिव होता है लगातार नोटिस निकालता है। अब इसका पहला नोटिस निकल चुका है जिसके अंदर किस ये पोस्ट है, क्या हुआ एकदम से? हाँ, अब इनका जो पहला नोटिस निकला उसके अंदर ये पोस्ट है, ये पहला नोटिस 7वें महीने में निकला। अब आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड तरीके से निकालता है हमेशा चीज़ें। पिछले साल भी ऐसे किया था, एग्ज़ाम नहीं, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं टीचिंग फील्ड का एक एग्ज़ाम बताता हूँ आपको, PGT बायोलॉजी और नेचुरल साइंस TGT के, और संस्कृत हुआ, और आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी जितने भी एग्ज़ाम थे, मेनली जो मैंने फोकस मैंने खुद के फोकस में देखा था PGT बायोलॉजी का एग्ज़ाम, कई कई महीनों से कुछ इसके वो नोटिस नहीं दिया। अचानक ही 1 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला, फटाफट फटाफट इनके फॉर्म भरवाए, और मुश्किल से 2 या 3 महीने के अंदर उसका एग्ज़ाम भी ले लिया। फिर रिजल्ट के लिए फेस हो गए, और फिर 2-3-4 महीने बाद इन्हें होश आया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, मुझे इसका पैटर्न पता है DSSB का पहले से भी। तो DSSB के अंदर अभी क्या है, इन्होंने वैकेंसीज निकाल दी है। आप देखो वैकेंसी कौन सी निकाली है, PGT की निकाली है, PGT की वैकेंसी निकाली है, और अब इनके लगातार नोटिस आते रहेंगे। PGT से हमारा क्या लेना देना है, तो ये हम देख लेते हैं। ये हमारा नोटिस था जो इन्होंने कहा था हम निकालेंगे, ये JEE इंजीनियरिंग वाले इन्होंने फॉर्म निकाल दिए थे। इसके बाद इन्हें कौन से फॉर्म निकालने थे, PGT वाले फॉर्म निकालने थे। कब निकालने थे, फरवरी में निकालने थे, लेकिन इन्होंने नहीं निकाले। आज 5 महीने बाद इन्हें होश आया और इन्होंने क्या निकाले, PGT के फॉर्म से निकाल दिए। सारे फॉर्म नहीं निकले, PGT के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट के निकले हैं, अभी आने वाले कुछ दिनों में बाकी के निकलेंगे, पक्का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप देखते रहना, 15 दिन के अंदर अंदर अगला नोटिफिकेशन आपके सामने होगा PGT का अगले एग्ज़ाम का। इसके बाद और एक बात बताऊं, आप कमेंट आए थे कि सर हम PGT भी, हम फार्मेसी और नर्सिंग के साथ साथ हमने BEd वगैरह भी कर रखा है, और PGT वगैरह हम मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो हम PGT वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने ये भी हाईलाइट कर दिया, और एक रीज़न मेरा ये था PGT के बाद ही हमारा नंबर है। तो देखो स्टाफ नर्स अगला ही नंबर किसका है, PGT के बाद स्टाफ नर्स। तो जैसे ही PGT के नोटिफिकेशन निकाल के हटेंगे, तुरंत अगला नोटिफिकेशन किसका आएगा, स्टाफ नर्स का। अब ये मत सोचना कि अब PGT का निकाल के फिर भूल जाएंगे, अब इन्हें होश आया और इसका मतलब फटाफट नोटिफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि ये सब लेट चल रहे हैं ना, फरवरी में निकालना था, ये है लेट ही, तो अपने टाइम से लेट है, तो अब ये फटाफट नोटिफिकेशन निकालेंगे। लास्ट टाइम भी सेम के सिनेरियो हुआ था, जब पिछली बार एग्ज़ाम्स हुए थे DSSB के, कोई से भी एग्ज़ाम देख लो आप, PGT TGT PRT, और आप अपना फार्मेसिस्ट के देख लो, पिछली बार एलोपैथिक की नहीं आई थी वैकेंसी, ऐसे आप नर्सिंग के देख लो, इसके अलावा आप LDC के देख लो, और जितने भी हैं असिस्टेंट कमांडेंट के देख लो, सब के ऐसे ही हुआ था। PGT के बाद अगला नंबर किन का है, स्टाफ नर्स वालों का, ANM का और नर्सिंग ऑफिसर का, इनका ही नेक्स्ट है वो है। इसके बाद हम देखें लैब टेक्नीशियन वगैरह, फिर फार्मेसिस्ट का भी आएगा। मार्च में निकलने थे इनके फॉर्म, ये भी लेट हुए थे, ये भी निकलेंगे, तुरंत के तुरंत निकलेंगे, आप देख लेना। 15 दिन बाद, हर 15-20 दिन में एक नोटिफिकेशन या एक नया नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से आउट होएगा, हर 15-20 दिन में, ये एक्सपीरियंस कह रहा है मेरा पुराना, और पिछली बार भी सेम हुआ था केस, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी मैं बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह, इसलिए ये मैंने बहुत सारे टैब खोल रखे हैं, तो जिसे DSSB के बारे में कुछ जानना है वो वीडियो में आके रुक सकता है। मतलब मुझे आपको जो बताना था, फार्मेसिस्ट के निकलने वाले हैं, नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म निकलने वाले हैं, यही अपडेट मुझे देनी थी। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा, पेपर कैसा है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम क्या होता है, लेवल क्या है, कट ऑफ क्या है, और आपका क्या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक्सपीरियंस किसके अंदर चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब बात हम करेंगे। तो फार्मेसिस्ट का नंबर आ गया। इसके बाद TGT वालों के भी मैसेज थे, तो मैं उन्हें भी दिखा दूं। आपका भी मई महीने में होना था, तो आपका भी क्या है, ये फार्मेसिस्ट वगैरह के और नर्सिंग के फॉर्म निकल जाएंगे, इनके कुछ दिन बाद फिर आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है नोटिफिकेशन निकल के एग्ज़ाम होगा, लेकिन हाँ अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो आप समझ सकते हो कि कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम फिर हो जाता है, 2-4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। तो ये बात तो ये थी कि भाई आपके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके
डी ट्रिपल एस बी के। अगर आपकी फैमिली में कभी भी किसी ने आपका कोई बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन डी ट्रिपल एस बी के तैयारी की हो या उसने उसमें सिलेक्शन लिया हो, आपने देखा होगा। चलो छोड़ो, उसकी बात नहीं करता मैं, वही बता रहा था जो हमारा पिछला दूसरा चैनल है, एक लिंक में भी आपको दिख रहा होगा जो सेकंड चैनल है हमारा अध्ययन संसार, उसके अंदर मैंने अपना डी ट्रिपल एस बी का सिलेक्शन भी डाल रखा था। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने डी ट्रिपल एस बी को फॉलो कर रखा है वो आपको बता देगा, हाँ भाई एक बार इसके नोटिफिकेशन आए तो फिर आते रहते हैं, लगातार आते हैं। ये बात तो हो गई हमारी डी ट्रिपल एस बी की, आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये इनका नोटिफिकेशन था लास्ट दिसंबर 2021 का, अब 22 में हम इसकी बात कर रहे हैं 7-8 महीने बाद। ये बात हुई कंप्लीट, डी ट्रिपल एस बी न्यूज़ मैंने बता दी, एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखा दिया, वेबसाइट पे जाके दिखा दिया। अब देखो हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। देखो डी ट्रिपल एस बी के मैंने तीन एडवर्टाइजमेंट लिए हैं, 2015 का, 2018 का, 2021 का। मैं आपके इसके बेस पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्या देखना है, फार्मेसिस्ट, तो मैं देख लेता हूँ फार्मेसिस्ट। ये जो फार्मेसिस्ट यूनानी है, तो हम फिलहाल बात करते हैं अपने एलोपैथिक वाले की। ये एलोपैथिक है, चार पोस्ट ये निकली थी, एक पोस्ट साइड ओबीसी की होगी, टोटल 5 पोस्ट। इसकी क्वालिफिकेशन देख लो आप ध्यान से, इसी के लिए ये वीडियो आपकी बन रही है और इतना लंबा इसलिए खिंचा है, ठीक है। तो अगर हम देखें जब 2015 के अंदर नोटिफिकेशन आया था तो क्या कहा गया था, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 थी, 4 जर्नल, एक ओबीसी थी और एक पीएचडी, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या बी फार्मा एम फार्मा होना चाहिए, कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट बी फार्मा एम फार्मा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आर आल्सो एलिजिबल। देखो ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, कैंडिडेट जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है या बी फार्मा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था। ये सुनने में अजीब लगता है कि हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को मांगते हैं एक्सपीरियंस, तो डिप्लोमा वाले को चाहिए, लेकिन यहाँ हायर क्वालिफिकेशन वाले को क्या रखा था। ये आप देख सकते हो, एसेंशियल 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए था, बाकी डिजायरेबल वगैरह कुछ नहीं थी, ग्रुप सी की पोस्ट थी। आपकी जो एज होती है, ये भी आपका क्वेश्चन रहता है सर एज कितनी होती है, 18 से 35 साल, 18 से 35 साल क्या थी इसके अंदर एज। अब ध्यान से देखते रहना इसका पैटर्न, एज आपको समझ आ गई, आपको क्वालिफिकेशन समझ आई। सेम बात हम कहाँ चेक करते हैं, ये यूनानी का हो गया, चलो इससे हमें काम नहीं है। अब हम 2018 का नोटिफिकेशन देखते हैं, यहाँ फार्मेसिस्ट है, HNFW हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 6 पोस्ट जर्नल की आई थी, ओबीसी की 146, एससी की 55, एसटी की 44, 251 पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि जर्नल की पोस्ट कम हो और बाकी की ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ ऐसा था, चलो जो था अब हम उसे तो नहीं कर सकते कुछ भी, तो यहाँ जर्नल की बहुत कम पोस्ट थी, लेकिन ये आपको आपने पोस्ट वगैरह देख ली होगी। आगे चलते हैं, ये क्या है हमारी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसके अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी और बोरिंग हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे कम टाइम में और सारी चीज बताऊं आपको, कुछ छूटे ना आपका, तो मेरी कोशिश ये रहेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 251 थी, जर्नल की, ओबीसी की, एसटी की, ये सब हमने देख ली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2018 की बात कर रहे हैं हम, 18 की कर रहे हैं, हाँ ये 21 है ना, हाँ 21 है, 18 की बात चल रही है हमारी। 15 के अंदर आपने देख ली थी क्वालिफिकेशन वगैरह, 15 के अंदर देख ली थी, अब बात चल रही है हमारी 18 के अंदर। बी फार्मा होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या 10+2 विद साइंस स्ट्रीम। एक भाई का क्वेश्चन था कि सर मेरा PCM है, मेरे पास बायोलॉजी नहीं है इसलिए मुझे निकाल दिया, शायद वो कुछ ऐसी था। तो हाँ यार, इसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये स्लैश से कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें से कोई एक तो नहीं मांग रखी PCM, लेकिन मैंने आपके लिए डिस्कस भी किया था अपने किसी सीनियर से, तो उन्होंने यही बताया था डी ट्रिपल एस बी के अंदर ही है। तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन उनका उनका कहा हुआ, या मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ,
उन्होंने कहा कि कुछ शायद कोर्स वगैरह होते हैं अलग से, 1 ईयर कोर्स, उससे उसके बेस पे फिर आपका हो जाता है। तो मुझे अभी भी आपके क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाया, तो अभी भी मैं आपको एक करेक्ट बात नहीं बता पाऊंगा इस बारे में। लेकिन हाँ, जिसके पास PCB है या PCMB है उसे कोई टेंशन नहीं है, वो कर सकता है। PCM वाले एक बार सर्च कर लेना कि आपका कोई एडिशनल 1 ईयर कोर्स होता है क्या, जिससे आपको बायोलॉजी के अंदर क्वालिफाई मान लेते हैं। मुझे नहीं पता लगा अभी, जैसे मुझे पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल तक तो नहीं लगा। एक बात और छोटी सी, अगर कोई वीडियो में अभी तक टिक रहा है तो, कि भाई मोहल्ला क्लिनिक के जो बच्चे हैं अभी, जो 11 से 11 से लेकर 60 तक की बात उड़ी थी, अफवाह मानेंगे अब तो मुझे, तो अगर अगर किसी के पास भी कोई मेल वगैरह आए तो प्लीज़ शेयर कर देना, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है हमें। तो अगर किसी के पास मेल वगैरह आए जो वॉलेंटियर बच्चे थे जिन्होंने कहा था हम कर देंगे, तो प्लीज़ आप एक्टिव रहना और टाइमली ये बता देना, इनसे बहुत बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं वापस इसके ऊपर ही, 10+2 होना चाहिए, PCM होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं है, अप्रूव होना चाहिए डिप्लोमा कहाँ से, फार्मेसी से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो, मतलब कुल मिला के फार्मेसी काउंसिल के द्वारा आपका जो डिप्लोमा है अप्रूव्ड होना चाहिए, और फार्मेसी एक्ट 1948 कुल मिला के ओरिजिनल होना चाहिए, किसी फर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए। 2018 के अंदर डिजायरेबल एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा था, और एज लिमिट आप देख सकते हो 18 से 30 साल। बाकी डिप्लो इनके अलग अलग चेंज होते रहते हैं, इनके एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। इन सबको इकट्ठा करके लास्ट में मैं एक कंसॉलिडेट करके भी आपको बताऊंगा कि ये इन सब का कॉन्क्रीट मैटर ही है। तो यहाँ 18 से 30 साल उम्र थी, ये बाकी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं 2021 की, ये लेटेस्ट पैटर्न है, तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी जो नई आपका जो नोटिफिकेशन आएगा इस बार फार्मेसिस्ट का, वो इस पे मैच करेगा। तो यहाँ के हम देख लेते हैं, हमने कुछ छोड़ दिया इसके अंदर, ये आपकी फार्मेसिस्ट आयुर्वेदिक और यूनानी की थी, लेकिन फिलहाल हम इस 2021 के नोटिफिकेशन में पैटर्न देखना आया, होम्योपैथी की भी थी। देखो तो फार्मेसिस्ट यूनानी है, इसके अंदर पोस्ट वगैरह देख लेना, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए यूनानी फार्मेसी में, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल नील एसेंशियल, और ये एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो पिछले दो पढ़े थे ये एलोपैथी के थे, एलोपैथी के पिछले दो नोटिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, ये यूनानी वाला जिसके अंदर एक्सपीरियंस की डिमांड की गई थी, होम्योपैथी के अंदर भी की गई थी। तो इसके ऊपर हम श्योर तो नहीं कह सकते कि एलोपैथी के अंदर एक्सपीरियंस मांगेगा नहीं, यहाँ हमारे चांस 50-50 बन जाते हैं कि एक्सपीरियंस आपको मांगा जाएगा या आपको नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जो मेरा मन कहता है, या मैं एक तरह से, मैं क्या कोई बाबत तो हूँ नहीं, मन क्या कहेगा, जो मतलब मेरे अंदर से फीलिंग आती है, पक्का नहीं है कि बिल्कुल सही होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा एलोपैथी के अंदर। बाकी लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया था होम्योपैथी के अंदर और यूनानी के अंदर, 10+2 होनी चाहिए, डिप्लोमा होम्योपैथी का होना चाहिए, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एसेंशियल के अंदर ही आ गया, तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे इनका यूनानी और होम्योपैथी के बारे में नहीं पता, इनकी फार्मेसी कैसी होती है, जैसे आपने सुना होगा, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ, जैसे आपने सुना होगा जो नॉर्मल फार्मेसिस्ट जो फार्मेसी की ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल वगैरह में, उनका 3 या 6 मंथ का वो होता है कि उन्हें ट्रेनिंग करते हैं वो, उसके बाद ही वो एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट कहलाते हैं। इनके अंदर क्या होता है क्राइटेरिया कि इन्हें एक फार्मेसिस्ट बनने के लिए, ये होम्योपैथी यूनानी के लिए, इन्हें भी 3 या 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, या इनकी 2 ईयर की है, वो चीज़ मुझे नहीं पता।
लेकिन इन्होंने एसेंशियल लिख रखी है, तो हम फिलहाल ये मान के चलेंगे कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अभी उसकी बात भी करेंगे, एक मिनट रुक जाना बस। ये काम तो हमारा हो गया। अब मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कोई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो, हमारी नर्सिंग का तो रहिए भाई, नर्सिंग का भी तो देखना था। ए, ए, बस एक एक मिनट रुक जाओ। CY18 नर्सिंग ऑफिसर का भी आप देख लो, जो नर्सिंग ऑफिसर है, मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट ए ग्रेड सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी, एसेंशियल है सब कुछ, शुड बी एबल टू स्पीक हिंदुस्तानी फ्लुएंसी, कुल मिला के इंडिया की जो जहाँ भी रीजन में वहाँ की लैंग्वेज आपके बोलनी चाहिए। DSSB का एग्जाम है तो हिंदी आपको फ्लुएंटली आनी चाहिए बोलनी। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, आपका क्वेश्चन था कि सर मेरा DNC वगैरह, DNC की स्लिप है, अभी DNC मेरे पास नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के लिए था क्वेश्चन, चलो वहाँ कवर करेंगे, अभी यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करते। और आपकी एज लिमिट क्या है, 32 ईयर है, इधर एज लिमिट मैंने आपको बता दी थी। आई एम सो सॉरी, आपकी बार बार वीडियो लंबी होती जा रही है। 18 से 30 साल, हाँ ठीक है, अभी तक हमारा यहाँ तक काम हो गया, मैंने आपको बता दिया। अभी पेपर पैटर्न के ऊपर बात बची है, बस पेपर पैटर्न बता देता हूँ, कुछ रह गया हो या मैं कुछ एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इसे भी कवर कर ले। अब आपका जो पेपर है, ये टू मतलब आपके पेपर के अंदर दो पार्ट होते हैं, 200 200 क्वेश्चन पेन लेना पड़ेगा, ये क्या है आपका, अगर मेरी आवाज मतलब कुल मिला के मेरी स्पीड अगर स्लो तो प्लीज फास्ट कर लेना अपना। Part 1 Part 2 200 क्वेश्चन होते हैं, दो सौ क्वेश्चन 200 मार्क्स, तो यहाँ क्या होंगे आपके 100 क्वेश्चन, और यहाँ भी क्या होंगे आपके 100 क्वेश्चन, 100 100 नंबर के। Part 1 आपका क्या आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपके जो 100 क्वेश्चन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे, और ये क्या होगा आपका जर्नल पेपर। मैं वैसे कई बार बता भी चुका हूँ, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो नर्सिंग वाले उनका नर्सिंग का सिलेबस, और जो फार्मेसी वाले उनका फार्मेसी का सिलेबस, जो आपके ये 100 क्वेश्चन है इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सबसे पहले GK GS, इसके बाद आपका हम मान सकते हैं मैथ, फिर आपका रीजनिंग, फोर्थ में आपका हिंदी, फिफ्थ में आपका कितने कितने मार्क्स की, 20, ये क्या है, 20 20 नंबर की आपकी सब चीज आती है, GK GK मैथ रीजनिंग 20 20 नंबर की, 100 नंबर ये हो गए, 100 नंबर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, ये आपका काम है, ये पेपर पैटर्न है। अगर आप हम देखें, जो हमने कल बात करी थी CISCIS थी, CRPF क्या हो, CRPF, जो CRPF की हमने कल बात करी थी,
सीआरपीएफ के अंदर भी अगर आप देखो तो आपकी हिंदी भी सॉरी आपकी जीके जीएस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगी और हिंदी या इंग्लिश के अंदर से एक भी आएगा। अगर मैं जो हमने कल बात करी थी उसका भी सिलेबस सेम है, हम जहाँ तक सब हिंदी लेंगे तो ये इस तरह उसका सिलेबस था। 50 नंबर का था, ये 15-15 नंबर की और ये 15-15 नंबर की ये और 10-10 की ये, वो हमने कल देख लिया था। अब मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट क्या था उनका, मतलब 50 नंबर के अंदर ये था, 50 वहाँ भी सब्जेक्ट का पेपर था। तो अगर कोई बच्चा इसकी तैयारी करेगा जर्नल पेपर की और इसके पार्ट टू की, तो ऑटोमेटिकली उसकी DSSB की तैयारी भी हो जाएगी और CRPF की तैयारी भी हो जाएगी। एक बात और, ये तो हमारी तैयारी की बात हो गई। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट अब भी एक ही रह गया होगा, सर एक्सपीरियंस का क्या? मतलब कुल मिला के ये होगी कि सर मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 2 का नहीं है, क्या है? देखो जो एकदम से नेगेटिविटी में चले गए मैं उन्हें निकाल दूं, अभी तक जितने भी मैंने आपको 2015 तक का रिकॉर्ड दिखा दिया, मतलब बाबा आजम के ज़माने तक, इससे पहले तो दूसरी सदी थी, अब तो बहुत अलग काम हो चुका। जो थोड़े डीमोरलाइज हो चुके हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ, अभी तक 2015 से लेके अब तक फार्मेसिस्ट एलोपैथिक की जो भी वैकेंसी निकली है किसी के अंदर भी DSSB के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसके अंदर डिप्लोमा बेस पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। कुछ के मन में आ सकता है सर SSC फेज 9-8 ये अभी आया, SSC फेज 9 का भी रिजल्ट वो आया था रिजल्ट फार्मेसिस्ट का, उसके अंदर तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। हाँ भाई उसके अंदर मांगा है, लेकिन बाकी अगर आप मोस्टली जॉब्स देखो उनके अंदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। मैं आपको ये दिलासा ही दे सकता हूँ कि भाई अभी तक तो DSSB ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा, तो अभी भी नहीं मांगेगा। और बाकी आप इसी होप के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी तक तो एलोपैथिक के अंदर नहीं मांगा, तो क्या पता अभी तक अब भी ना मांगे, लेकिन मांग सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है बात। और कुछ मुझे बताना आपको? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 27 मिनट की, कोई बात नहीं, इतना चलता 27 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ और तो नहीं बताना। DSSB बता दिया, नर्सिंग बता दिया, फार्मेसिस्ट बता दिया, आपको एक्सपीरियंस बता दिया, सिलेबस बता दिया। हाँ अब जो हम तैयारी है, मैंने आपको बताया था मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपकी क्या है ये क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं आपको मॉर्निंग में क्लास डालूँ, अपलोड करूँ, इवनिंग में डालूँ, किस टाइम डालूँ, डेली 5 के 5 सब्जेक्ट भी तो बहुत हैं, ये 5 सब्जेक्ट, इसके अंदर भी 5-6 सब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं लगभग, ये मैं किस तरह मैनेज करूँ? तो अभी बस यही चल रहा है, मैं ऐसे करूँगा TTSMWR बना के कुछ तब आपको यहाँ बताऊँगा। और क्या बता सकता हूँ मैं, बस अगर आपके अंदर से कोई चाहे तो एक शेड्यूल बना के मुझे भेज सकता है, एक कन्वीनियंट सा, मतलब एक दिन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा क्लासेस ना हो, आधे 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 घंटे की 4 क्लास हम एक दिन में ले सकते हैं। तो अगर आपके अंदर से कोई भी एक वॉलेंटियर रूप से एक शेड्यूल बना के मुझे भेज दे कि सर इस दिन ये आप करवाओ, उसको मैं क्या है वहाँ लगा दूंगा, कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा, सब बच्चों से सहमति लेने के बाद हम डेली आधे आधे घंटे की जो आप शेड्यूल भेजोगे उसके हिसाब से क्लास कर लेंगे, नहीं तो मैं खुद बनाऊँगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप में से कोई चाहता है तो बना सकता है कि सर मंडे को GK करवा देना आधे घंटे, ट्यूसडे को मैथ आधे घंटे, वेनेसडे को ये, थर्सडे को ये, इस तरह शेड्यूल बना के भेज सकता है। बाकी थोड़े से एडवांसमेंट और होंगे आपकी वीडियो बनाने में, जैसे वॉइस क्वालिटी मुझे पता है बहुत ज़्यादा घटिया है, तो इस वॉइस क्वालिटी को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम। और बस फिलहाल तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात मुझे याद नहीं आ रही, इसलिए वीडियो लंबी होती जा रही है मुझे सोचने में। तो जो भी आपका जो भी मैं भूल चुका हूँ या मैंने नहीं बताया कमेंट कर देना, मैं उसके अंदर आपका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करने लायक हुआ तो रिप्लाई कर दूंगा, मतलब अगर मैं समझा सका आपको रिप्लाई में तो रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा, सॉरी वीडियो बना दूंगा एक छोटी सी। अब बात कर लेते हैं मोहल्ला क्लिनिक की। जो मनीषा सिसोदिया जी का एक कमेंट था कि सर एक चैनल है वो बताई थी कोई मैडम का, उनके 11-60 बता रहे हैं वो कि आ चुका, तो भाई मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाने का। हाँ
मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता इसके अंदर। वॉलेंटियर बच्चे हमारे यहाँ हैं, मैं तो इसी आस में हूँ, हमारे पास वॉलेंटियर बच्चे हैं हर रैंक के हैं, और वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन बता देंगे, इतना मुझे उनके ऊपर यकीन है। जो शीतल प्रजापति है, उनका क्वेश्चन था कि सर DSSB के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। देखो आज तक भी एलोपैथी के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा, जितना मुझे पता है अभी तक एलोपैथी के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा, तो मोस्टली चांस है कि इस बार भी एलोपैथी के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। अगर आपका कोई सोर्स या कुछ भी ऐसा जुगाड़ वगैरह है एक्सपीरियंस का, तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन बनवाना 2 साल का, 2 ईयर का मांगते हैं अगर मांगेंगे तो। वैसे अभी तक नहीं मांगा है कभी भी। होम्योपैथी आयुर्वेदिक अंदर मांगा है, उनकी अलग, उनका अलग कोर्स है, अलग उनका जॉब प्रोफाइल है, उनके में हम अपने आप से रिलेट नहीं कर सकते। एक था हमारा अंकित थॉमस जी और ऑल अबाउट लाइफ का, इनका था कि सर एक बार मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी क्लियर हो जाए तो कुछ समझ सा आ जाए। देखो सबसे पहली बात, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुलने हैं 2023 तक, उसके अंदर से कुछ पहले भी खुले हुए हैं, मतलब 1000 मोहल्ला क्लिनिक को चलाने के लिए स्टाफ इन्हें चाहिए था। अब हम मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी बात हमारी हो चुकी। आपने कहा कि सर 1200 वैकेंसी है, 2000 है, ना 1200 है ना 2000 है, 1000 मोहल्ला क्लिनिक के लिए कितना स्टाफ ले, ये इनके ऊपर डिपेंड है। मैं अगर आपको कुछ थोड़ी सी गुना भाग करके दिखाऊं तो आप देख लो, बहुत से स्टूडेंट है कंफ्यूज भी है कि सर 1000 एक मिनट सर, वह आपने कहा कि लगभग 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 520 पहले ही है, 480, हाँ 20 और 80, 600, 400, 480 और खुलेंगे, तभी बन के हमारा क्या हो जाएगा बराबर का निशान 1000। सर 520 मोहल्ला क्लिनिक तो पहले ही खुले हुए हैं, इसका मतलब कितने मोहल्ला क्लिनिक बचे, 480 आप मान रहे हो कि सर अगर 520 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं तो 480 बचे, 1000 में 480 बचे तो 480 को तो लेंगे, प्लस अब 480 को लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी लेंगे, एक्स्ट्रा तो लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं, करेक्ट 480 लेंगे, प्लस ये डबल शिफ्ट भी होंगे, प्लस ये डबल शिफ्ट भी होंगे, तो आठ दूनी 16, 400 दूनी 800, 960, तो इस हिसाब से क्या 960 वैकेंसी हो गई। ये मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके ज्यादा कमेंट थे इसलिए मुझे बताना पड़ा, 480 वैकेंसी इस हिसाब से निकल रही है, डबल होंगे ये भी होगी, कुछ अभी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया, अगर कुछ एक्स्ट्रा लेंगे तो, अगर ये कुछ प्लस एक्स्ट्रा भी लेंगे समथिंग, तो लगभग क्या हो गया हमारा वही 1000 का आंकड़ा हमारे पास आ चुका इजीली। तो आप जो जिनकी भी रैंक 1000 के आसपास है, होप उन्हें नहीं छोड़नी है, बल्कि 1000-1200 भी है उन्हें भी होप, उन्हें भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। लेकिन एक बात मैं अभी बता दूं, जो ज्वाइनिंग है जिनकी भी रैंक ज़्यादा है उन्हें ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा, हो सकता है उनकी जो ज्वाइनिंग है 2000 हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग है 2023 के एंड में हो, ये भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको टाइम लगेगा। अगर आपने कुछ, अगर आपने ही दे दिया, आप इसे भूल जाओ, अगर आपने CRPF का अपना फिजिकल क्लियर किया हुआ है तो आप सीधा क्या है उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, साथ में DSSB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। मोस्टली चांसेस के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, तो घबराना नहीं है, अगर आपके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और, ये डिप्लोमा वाले के लिए बताई थी मैंने बात, जो बी फार्मा वाले हैं, नॉर्मली बी फार्मा के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलता है, एलोपैथी के अंदर नहीं बाकी की बात चल रहे हैं। हाँ ये और जो ये भी पहले रूल था, इनके लिए 2 ईयर का, लेकिन जो ये वाला सिनेरियो था ना, ये कई साल पहले खत्म हो चुका है, तो अभी इसके ऊपर कोई भी नई अपडेट है नहीं। मैं आपको पूरी कंसोलिडेट करके बात बता देता हूँ,
जिसने भी डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, फार्मेसिस्ट फार्मेसी की उन्होंने कर रखी है, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन फ्री होकर तैयारी करें, और जिनके पास नहीं है वो भी फ्री माइंड से तैयारी करें। और अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस बनाने का कोई आपके पास वे है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तैयारी करो, मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। लेकिन मैंने फिर आपको बताया, मैं एक स्टार मार्क लगा के इसलिए बताता हूँ ताकि आप माइंडली प्रिपेयर्ड रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके ना बैठ जाओ, इसलिए मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ। लेकिन बस अभी मुझे और समझ नहीं आया मुझे क्या बताना है, जो मुझे बताना था आज की वीडियो में हो चुका, आज की वीडियो में इतनी, थैंक यू सो मच। तैयार रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और मेहनत करोगे कहीं ना कहीं नंबर आपका आ जाएगा, और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ये बात मैंने खुद फील की है, एक्सपीरियंस की है और इसका फल भी लिया है। तो बस मेहनत करते रहो और करते हैं फटाफट अपनी क्लासेस स्टार्ट भी। आज की वीडियो में इतनी, थैंक यू सो मच, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं।